हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। इट मीन्स किस तरह से, पहले हम क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर निकालते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? उसने कहा स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स। कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसका जो स्क्वायर रूट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर, राइट। जैसे हमें पता है रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, रूट ऑफ 6 9 इक्वल्स टू 3। तो जैसे रूट ऑफ अगर मैं ले लूं कोई -4, जहां रूट ऑफ मैंने 1 लिया, दैट इज 1, क्लियर। तो रूट ऑफ अगर मैं पहले लूं -1, तो यू नो जे हमारे पास क्या होते हैं, रूट ऑफ -4 अगर आ जाए, रूट ऑफ -3 आ जाए, जहां रूट ऑफ -9 आ जाए, कुछ भी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो सो क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। और जो रूट ऑफ -1 होता है ना, यहाँ पे एक नोट लिख दीजिए, रूट ऑफ -1 विच इक्वल्स टू क्या आता है, आयोटा के इक्वल आता है। क्या आता है? आयोटा, क्लियर। ये आयोटा, रूट ऑफ, रूट में कोई भी नेगेटिव टर्म होगी तो उसको हम आयोटा के इक्वल लिख देते हैं। जैसे जहां पे मैं लिखा है रूट ऑफ -4 विच इज रूट, इसको क्या ले आई हम, 2 आयोटा। यू नो ये 2 आयोटा आया कैसे, क्या आता है, रूट ऑफ है। तो किस तरह से, पहले हम जहां पे चलते हैं वापिस, कहता है रूट -1 क्या आता है, आयोटा के इक्वल आया। रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कॉमा विद दैट। स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। इट मींस हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर है वो क्या आता है, -1 के इक्वल आता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आता है, -1, क्लियर। इसी तरह से जैसे जे हमारे पास है, तो ये जैसे रूट 4 है, ये रूट माइनस रूट 4 है, ये 2 आयोटा इक्वल आ रही है। कैसे आ रही है, जैसे हम आपको बताते हैं अभी, ये क्या लिया हमें रूट ऑफ -1, क्या मैं इस -1 × 4 नहीं लिख सकता इसको, क्या -1 × 4 इसको क्या मैं -1, यू नो -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 2 का स्क्वायर। तो ये कितना कितना बन जाता है, 2 × आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 आयोटा, ओके। ये क्या बन जाता है, 2 आयोटा बन गया। आए समय ये हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम आपको इनको डिफाइन करने के, क्या दिया हुआ है। जैसे आयोटा रेस टू पावर 2, हमें पता है -1 आता है। अगर हम ले लें आयोटा रेस टू पावर 3, तो ये कितना आता है, इसको ब्रेक करना है हमने, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इक्वल्स टू -1 × आयोटा, इट मींस -आयोटा। आयोटा रेस्ट पावर 4 हो तो क्या लेंगे हम, आयोटा स्क्वायर रेस्ट पावर स्क्वायर, राइट। पावर पे पावर लिख दिया हमने, तो आयोटा स्क्वायर क्या आता है, -1 का स्क्वायर, इट मींस क्या आ जाएगा, 1, क्लियर। अगर हम आयोटा की पावर 5 ले लें तो क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 × आयोटा पावर 1, मींस बेसिस में पावर सर एडेड, अब आयोटा की पावर 4 है, यू नो आयोटा पावर 4 क्या निकाला हमने, 1 जाएगा 1 × आयोटा, इट मीन्स आयोटा। आयोटा पावर 5 किसकी इक्वल आती है, आयोटा इक्वल आ गई। इस तरह वो क्या लेते हैं, आयोटा पावर 10 ले लेते हैं, तो यू नो आयोटा पावर 10 क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा की पावर 2 raised to power 5। अगर इवन है तो हम उसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं, मतलब पावर है पावर, आयोटा स्क्वायर बनाना है और हमें कोई भी पावर लिख देनी होगी जो बनती होगी, जो उसका फैक्टर बनता होगा। अगर ऑड हो तो हमने एक पहले क्या करना, उसको उसकी पावर को ब्रेक करना है, इवन और ऑड में बनाना है। जैसे हम 10 है, जी क्या ना, आयोटा स्क्वायर पावर 5, इट मींस -1 की पावर 5, तो ये कितना आ जाएगा, -1, पावर ऑड है तो -1 आ जाता है, क्लियर। ये हमारे पास आया, नाउ क्या लेंगे हम, आयोटा की पावर मैं ले रहा हूं 21, आयोटा पावर 21, तो क्या करना पड़ेगा, आयोटा की पावर 20 × आयोटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑड है तो ब्रेक करना पड़ेगा। आयोटा पावर 20 है तो हमें मेन हम करना क्या होता है कि हमें आयोटा स्क्वायर बनाना होता है, जैसे मर्जी बनाओ, ओके। ऑड में तो बन नहीं सकता तो इवन में ही बनेगा, तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 10 × आयोटा, यू नो आयोटा स्क्वायर -1 raised to power 10,
और इंटू क्या आएगा आयोटा, माइनस वन की पावर आर इवन है तो रिजल्ट क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये आएगा वन इंटू आयोटा एक बार क्या आ गया आयोटा, क्लियर दैट इज आयोटा रेस्ट वार 21 की वैल्यू क्या है आयोटा है। ओके तो यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं हम आपको, आयो फाइंड आयोटा पावर 103 आयोटा पावर -99 ओके 1 अपॉन आयोटा पावर 7 राइट आयोटा पावर -5 सॉरी 15। तो कैसे करेंगे इनो आयोटा की पावर, पहले मैं नेगेटिव वन लेता हूं -15 है तो पहले आपको पता है माइनस पीछे क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, मींस 1 अपॉन हम इस तरह से लेंगे आयोटा की पावर 15 क्लियर 15 है तो कीजिए ब्रेक 1 अपॉन आयोटा पावर 14 इंटू क्या जाएगा हमारे पास आयोटा क्लियर, तो यहां पे क्या जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 2^7 इंटू आयोटा, इट मींस क्या बन गया 1 अपॉन ये बन जाएगा हमारे पास आयोटा की पावर माइनस बन जाएगा -1/7 इंटू आयोटा, इट मींस क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। अब माइनस है तो क्या मैं इसको -1/iota लिख सकता हूं, और -1 किसके बुलाता है -1 = iota स्क्वायर, तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा इक्वल टू आयोटा लिख सकता हूं, ये मेथड है जहां हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्या मेथड है जैसे जी किया हमने यहां पे इसको नीचे लाया 1 अपॉन हमारे पास क्या आया आयोटा पावर 15, तो इट मींस अगर ऐसा करें 1 अपॉन आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा पावर -1 लिखे कोई प्रॉब्लम, 16 में से 1 किए 15 ही रहते हैं, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास 1/iota 2^8, लेकिन जो ये नेगेटिव है इसको हम ऊपर ले जाते हैं आयोटा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मतलब आयोटा अपॉन -1/8 इट मींस क्या आ जाएगा आयोटा अपॉन 1 इट मींस आयोटा आ गया क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया आयोटा आ गया। इस तरह से जैसे चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो ओके, ये क्वेश्चन आपने खुद निकालना है कुछ क्वेश्चन ओके, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम आपको निकालने के लिए। हमने प्रैक्टिस करनी है इवेलुएट द फॉलोइंग, क्या दिया हमें 3 iota into 6 4 iota into 7 iota ओके नेक्स्ट दिया 25/15 iota ओके नेक्स्ट क्या दिया हमें 7/iota 3 ओके √-16 × √-25 √-18 × √-2 √-36/√-6 ओके ये क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। देखो क्या है मैं आपको ये वाला पार्ट समझाता हूँ, ये वाला इसको कैसे करेंगे हम √16 है ना माइनस में तो क्या लेंगे हम √16 है तो क्या जाएगा 4 iota ये कितना जाएगा 5 iota क्योंकि रूट नेगेटिव टर्म है तो क्या आएगा iota, तो बाकी जो 16 है 16 का प्रोवाइड स्क्वायर क्या होता है 4 राइट, तो ये हमारे पास आ गया अब क्या आएगा 4 × 5 = 20 iota² इट मींस -20 इस तरह से ये करेंगे इस तरह से ये है इसको क्या करेंगे हम √6 है तो क्या आ गया 6/√6 iota iota का हमने वैल्यू निकाल दिया आगे हमने इसको करना आगे हम क्या करते हैं रैशनलाइज करना होता है इसको 6/√6 iota × √6/√6 iota ये क्या बन जाएगा हमारे पास 6√6 iota / 6 iota² क्लियर ये कट जाएगा जाएगा -√6 iota ओके। इसी तरह से हमारे पास जे 25/15 वाला इसको भी रैशनलाइज करना है इसको पहले ब्रेक करना है आपने ये क्या दिया हमें
हमें दिया हुआ 7/i³ है, तो पहले इसको ब्रेक करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम 7/i² / i, जहां मैंने अभी आपको बताया आयोटा पावर 4 करो और आयोटा पावर माइनस मतलब बड़ी, 4 माइनस से बनने वाले 3 रहते हैं, ऐसे करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये नेगेटिव है ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा 7/i² जे आयोटा पावर 4 अभी हमें निकाला था क्या था हमारे पास 1, तो इट मींस क्या आ गया आयोटा की पावर ये 4 है दैट इज 1, कम से कम आपको 6-7 तक आनी चाहिए, 10 तक आना चाहिए वैल्यू, ये क्या था आयोटा 7/i² आंसर आ गया। ओके ऐसे हम इनको डिफाइन करेंगे। ओके थैंक यू, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगली वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ओके थैंक यू।